इंडिया एक्शन होना चाहिए। अफरा तफरी की जो आवाज आ रही थी, काफी जोरों से आवाज आ रही थी, एकदम जो इंस्टीट्यूट काफी हड़दम में आ चुका था। अभी हमने दो व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की बेसमेंट में पानी भरने से मौत हो गई। मरने वालों में एक छात्र और दो छात्राएं हैं। इस हादसे के बाद से सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज बारिश के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में जल भराव हो गया था, जिसके बाद कोचिंग की इमारत में अचानक पानी भर गया। उस वक्त इमारत की बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। इसका एग्जिट पॉइंट था या एंट्री पॉइंट था, एक ही सिंगल पॉइंट था, और इंसिडेंट ये हुआ कि उसी एंट्री पॉइंट से पानी सारा उसी लाइब्रेरी के अंदर घुसा। अब उस समय बच्चा ये नहीं कर सकता था कि टायर टू अंदर जाकर घुस सके या बाहर निकल सके, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट था उसी से पानी एंटर हुआ, और पानी इतनी फोर्स से एंटर हुआ था कि आप अंदर सीढ़ियां चढ़कर आप बाहर जा नहीं सकते। और सेकंड ये हुआ था सर कि जो एक बेसमेंट के अंदर ही एक सीवेज बना हुआ था, उसका भी पानी के फोर्स इतना था कि दोनों ढक्कन अंदर से उधर से भी पानी अंदर, नीचे से भी पानी बेसमेंट से आना चालू ऊपर हो गया, और अंदर से जो था वहां से भी अंदर पानी बेसमेंट की तरफ जाना चालू होगा। तो जो था, तो ये आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का लेवल इंसिडेंट उन बच्चों के साथ हुआ था। उस समय सर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं अपना मैंने देखा नहीं, मैं सुना क्योंकि जो दीवार की जो हाइट थी मेरे से काफी ऊंची था, इवन कानाट से, बट जो अफरा तफरी की जो आवाज आ रही थी काफी जोरों से आवाज आ रही थी, एकदम जो इंस्टीट्यूट काफी हड़दम में आ चुका था। सभी घबरा हुए थे वहां पर, और सर ये समझ में नहीं आता कि अंदर एंटर कैसे करे। इमारत में शनिवार शाम बारिश के बाद करीब 7 बजे पानी भरा। उसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों को निकालना शुरू किया। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिस पे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज बेसमेंट से रिकवर हुए थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी के, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेलविन हैं जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रेस्पॉन्सिबल थे उन लोग खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा, उन सबके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने दो व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इलाके में बारिश होते ही पानी भर जाता है। देखिए, जैसे ही घटनाक्रम का पता लगा हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पर मैंने जो एमसीडी कमिश्नर है उनसे बात करी, हमारे एडिशनल कमिश्नर उनसे बात करी, डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, और जो भी एमसीडी का ऑफिसर, जो भी अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा उसको एक्शन लिया जाएगा उस पर। और मैंने भी कमिश्नर साहब से बात करके बोला है कि मुझे इस पर रिपोर्ट सबमिट करें कि जल्द से जल्द हम ऐसी घटना दोबारा ना हो और जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाए। एक मृतक के परिजन ने बताया कि उन्हें टीवी और मीडिया से इस हादसे के बारे में पता चला। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फोन आया, लेकिन मैं न्यूज देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से, जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था, तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियां थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो मैं 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया,
फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं, तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे रात में नहीं दिखा सकते, तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी आईओ नहीं आएंगे तब तक हम नहीं दिखा सकते, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। घटना के बाद बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी, क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।